नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारद्वाज सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बॉन्डिंग की शिफ्ट का चारों पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया गया है। केवल एक पेपर नहीं, दो पेपर नहीं, चारों की चारों सेट का हर सब्जेक्ट के फैकल्टी ने, रेस्पेक्टिव फैकल्टीज ने आपको सोल्यूशन बताया चारों सेट्स का ना। अब हम लोग इवनिंग में भी कोशिश करेंगे कि चारों की चारों सेट का आपको सोल्यूशन बताया जाए, क्योंकि किसी स्टूडेंट का किसी सेट का पेपर मिला है तो हर स्टूडेंट परेशान था, सर हमारा सेट का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। तो हम लोगों ने कोशिश की, जितना हम लोग बहस कर सकते थे हम लोगों ने किया, तो लगभग हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता लगा। अब इसी क्रम में मैं आपको जो सेट मेरे पास अभी आया है उसके पहले आपको मैं मैथ से क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे पेपर सेट आते जाएंगे वैसे वैसे आपको एनालिसिस मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट का ये पेपर सेट था उनको भी देखना है, जिनका नहीं था उनको भी देखना है कि आपके सेट में भी ये क्वेश्चन आ सकते थे, और जिनका कल और परसों पेपर होने वाला है उनको भी ये चीजें देखनी है। फटाफट से एक बार शेयर करें फिर मैं स्टार्ट करूं, जल्दी से शेयर कर दें एक बार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। फटाफट से सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सेशन को जल्दी से शेयर कर दें, क्योंकि जब तक आप शेयर करेंगे आएंगे तब तक मैथ्स का एनालिसिस आधे से ज्यादा हो चुका होगा। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट का एनालिसिस नहीं रुकना चाहिए, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट पेपर देखा है वो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा उनका पेपर हुआ है, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया या सेकंड टाइम दिया है, किस तरीके से आपका पेपर हुआ है, कितना आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। देखिए हरियाणा जी के नहीं आई है, इस बात का अफसोस हमें है, और काफी स्टूडेंट जो जिनका जीके अच्छा है, हरियाणा जीके बहुत अच्छा है, काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा इस पेपर में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि पेपर में हरियाणा जीके नहीं पूछा गया, पूछना चाहिए था। ये गलती है एचएसएससी की, स्टेट की, कि उन्होंने एचएसएससी के पेपर में हरियाणा जीके नहीं पूछा, स्टेट का जीके आपसे पूछा जाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड था पर नहीं पूछा गया। पर कोई नहीं, अभी अपना काम है जो पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूं तरीके से। तो फटाफट से एक बार सेशन शेयर कर दें, आप जल्दी से एक बार सेशन शेयर कीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फेसबुक पर जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हरियाणा जी के नहीं है तो सर मुझे जाना चाहिए था, बिल्कुल उमेश आपको जाना चाहिए था, बाकी सभी स्टूडेंट को जाना चाहिए था। अब कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। 140 माइनस 44 पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, ऐसा ही हम लोगों ने लगभग बाकी सेट्स में भी किया। 140 क्वेश्चन मैं लिख देता हूं और भी आपको क्लियरिटी से दिखाई देगा, बाकी क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं पेपर में ना। सुनिए, 140 माइनस 44 इंटू 9 डिवाइड बाय 3। आपको पता है बोर्डोमास का रूल, पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके बाद 1 बाय 2 का को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, और डिवाइड बाय 9 प्लस 2 ये हमें सॉल्व करना है ना। तो आप ये देखिए यहां पर तो सर 9 में पहले 3 का भाग जाएगा, 3 आएगा 3, 44 इंटू 3 करना पड़ेगा, 40 इंटू 3 होते 120, 4 या 12 120 और 12 132 140 में से 132 माइनस होगा, 140 में से 132 माइनस होगा 8। थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी फास्ट करें, कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तब जाके काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। सेशन को फटाफट से शेयर करते रहिए भाई, सेशन को जल्दी से जल्दी आप लोग सभी शेयर करें। अब यहां पर 1 बटे 2 का 18, तो 2 से 18 कितनी बार कैंसिल होगा, 9 बार कैंसिल होगा, 9 डिवाइड बाय 9 1 आ चुका है, 2 और 1 3 8 बटे 3 क्वेश्चन का आंसर है। 3 दूनी 6 2 सही 2 बटे 3 3 दूनी 6 2 सही 2 बटे 3 सी नंबर का ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है, सी नंबर क्वेश्चन आपके ऑप्शन का सॉरी सी नंबर आंसर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी आपका ऑप्शन था। चलिए 12वां क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 मिक्सर एलिगेशन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग, पढ़ करके खुद से करेंगे तो आपको पता पड़ेगा लेवल कैसा आया हुआ है, केवल एनालिसिस देखने से काम नहीं चलेगा भाई, आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। 8/3 2 सही 2 बटे 3 क्वेश्चन का आंसर था सी ऑप्शन। पढ़ो बराबर से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 12वां क्वेश्चन, दो बोतलों ए और बी में तनु सल्फ्यूरिक एसिड है, बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है।
देखिए बोतल ए में क्या है, बोतल ए में पानी की मात्रा एसिड की मात्रा से अम्ल की मात्रा से दुगनी है। तो यहां लेते हैं हम लोग पानी और एसिड, पानी और एसिड, इसमें जो रेशो है पानी की मात्रा एसिड की मात्रा से दुगनी है, तो रेशो आ गया 2:1 ए के अंदर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है सुनिए, बोतल बी में अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा का 3 गुना है। बोतल बी में एसिड की जो वैल्यू है वो पानी की मात्रा का 3 गुना है, इसका मतलब पानी 1 है तो एसिड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे ए और बी को आपस में मिलाना है, ए और बी को मैं आपस में मिलाऊंगा, मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा ना उसके अंदर रेशो कितना आना चाहिए, 1:1। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मिलाने के बाद जो मिक्सचर आना चाहिए वो उसमें रेशो आना चाहिए 1:1, 1:1 आना चाहिए भाई। तो ध्यान दीजिएगा 1:1 हम लोग कैसे लेके आएंगे, मिक्सचर के अंदर रेशो 1:1 आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो सुनो भाई, मिक्सचर के अंदर रेशो 1:1 आना चाहिए, तो क्या करना है, सबसे पहले ए बी और मिक्सचर, इसका क्या क्या रेशो दिया हुआ है, ये मिक्सचर एलिगेशन में बुक में भी क्वेश्चन है हमारी में और क्लासेस के अंदर भी बहुत अच्छे से समझाया है कि जब भी मिक्सचर के अंदर आपको रेशो बताओ तो क्या करते हैं, एडिशन को सेम बनाते हैं। ए के अंदर टोटल क्वांटिटी 3 है, यहां 4 है, यहां 1 है, सॉरी 2 है, तो 3, 4 और 2 का एलसीएम हो गया 12। 3, 4, 2 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। अब ए के अंदर ये हो गया वाटर और ये हो गया एसिड। अब ए के अंदर जो पानी है ना उसकी मात्रा हो जाएगी 4 × 8। बी के अंदर पानी 3 × 3, मिक्सचर के अंदर पानी 6 × 6। अब एलिगेशन लगा दें, 8 में से 6 माइनस होगा 2, 3 में से 6 माइनस होगा 3, रेशो आ गया 3:2। 3:2 में इसको मिलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने बिल्कुल तरीके से पढ़ा होगा ना मिक्सचर एलिगेशन, वही स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। आंसर विल बी 3:2, आंसर विल बी 3:2। चलिए देखिए, हम लोगों ने पानी की मात्रा लेकर के आंसर निकाला, आप चाहें तो एसिड की मात्रा लेकर भी आंसर निकाल सकते हैं। ए के अंदर एसिड कितना है, 4 × 4, पर ए के अंदर एसिड है 4। बी के अंदर एसिड कितना है, 3 × 9, और मिक्सचर में एसिड कितना है, 6 × 6। क्रॉस में हम लोग जाएंगे तो 2 आएगा, यहां आएंगे तो 3। अभी भी रेशो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। किसी भी एक क्वांटिटी पर फोकस करके आपको आंसर निकालना है। देखिए शेयरिंग कीजिए भाई, आप लोग शेयरिंग नहीं कर रहे, आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, जैसे पहला सेशन था वैसे ही आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। पहला सेशन बहुत बेहतरीन सेशन रहा हमारा, चारों की चारों सेट्स आप लोगों को सोल्व कराए गए। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हो गया, और जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, यदि 20 पुरुष 20 दिनों में 1/3 काम पूरा करते हैं तो शेष काम को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों को नियोजित किया जाए। तो यहां ध्यान देना, M1D1, 20 पुरुष कितने दिनों में, 20 दिनों में कितना काम करते हैं, 1/3। 20 पुरुष 20 दिनों में 1/3 काम करते हैं, M1D1/W1। तो आपसे पूछा गया शेष काम को, शेष काम कितना है भाई, 2/3 काम बचा हुआ है। सर 1/3 काम अगर पूरा हो गया तो काम कितना बचा हुआ है, 2/3 काम बचा हुआ है। 2/3 काम को 25 दिनों में करना है, पुरुष कितने लगेंगे, एम की वैल्यू आपको पहले पता करनी है। तो यहां अगर सॉल्यूशन किया जाए तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, 5 × 4 = 20, 5 × 25, फिर 5 से 20 कितनी बार, 4 बार, बटे में जो 2 है उसका भी मल्टीप्लाई होगा, 4 × 16 × 32। अब आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। आदमी है कितने मेरे पास, आदमी केवल 20 है, 20 पुरुष है हमारे पास, हमें आवश्यकता है 32 पुरुषों की, तो कितने पुरुष और चाहिएंगे, सर चाहिएंगे 12 पुरुष और। बी ऑप्शन आपका आंसर, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, 12 पुरुष और आवश्यकता होगी, 12 पुरुष होगी, बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर आएगा। बी ऑप्शन जो है वो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखिए 42, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टिल्ट है पर आप समझ सकते हैं ना। एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करे तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूले लिखाए गए थे क्लासेस में आप लोगों को, S1 × S2। जब भी देरी और जल्दी वाले क्वेश्चन आए, अपॉन में S1 - S2 × टाइम डिफरेंस,
इनटू में टाइम डिफरेंस, समय का अंतर, यही हमें कर रहा है ना। एस वन इंटू एस टू का मतलब पहली स्पीड कितनी थी, ढाई, ढाई का मतलब हो गया सर पांच बटे दो, एस वन हो गया पांच बटे दो, एस टू कितना है, एस टू तीन है, एस टू तीन आ गया। उसके बाद दोनों के बीच में अंतर, अंतर आएगा सर आधे का, अंतर आ गया हाफ का, और इनटू में टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, पहले हो रही थी जो छह मिनट की देरी, पहले छह मिनट देरी से पहुंच रहे थे और अब क्या हो रहा है, अब दस मिनट पहले पहुंच रहे हैं, तो छह मिनट की देरी दस मिनट पहले, अंतर जो आएगा वो सोलह का आएगा, चार का मत कर देना। छह मिनट की देरी का मतलब मान लीजिए मुझे बारह बजे पहुंचना है, मैं पहुंच रहा हूं बारह बजकर छह मिनट पर, और दस मिनट पहले का मतलब ग्यारह बजकर पचास मिनट, तो ग्यारह बज के पचास मिनट से लेकर बारह बज के छह मिनट तक के बीच में सोलह मिनट का सफर तय होगा, तो सोलह मिनट यहां पर टाइम लेना है। अब चूंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, तो सोलह मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए सात से भाग लगा दो, सोलह मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए सात से डिवाइड करें, सोलह बटे साठ आएगा। चलो बराबर से 42 क्वेश्चन, उनके बीच की दूरी, तो डिस्टेंस हमें निकाल लिया, हम लोग सोल्व करेंगे, दो से दो कैंसिल हो गया सर, पांच या पंद्रह होता है, पंद्रह से साठ चार बार कैंसिल, चार से सोलह चार बार कैंसिल, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। चार किलोमीटर बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर, चार किलोमीटर बी ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर करते जाए, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं मैच का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। सारे क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट चले, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल करने में दिक्कत नहीं आएगी, पर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं, आप चीजों को रटते हुए चले गए कि सर फॉर्मूले लिखा दो बस, हमें एक दिन के अंदर में चैप्टर समझा दीजिए, फिर दिक्कत आएगी भाई। हाँ, एक हार में विभिन्न रंग के आठ मनकों को व्यवस्थित करने के कितने तरीके, एक हार में विभिन्न रंग के मनकों को व्यवस्थित करने के कितने तरीके ये बताइए, यानी कि एक हार में मुझे आठ मोतियों को डालना है तो उनको व्यवस्थित करने के कितने तरीके हो सकते हैं, माला बनाने वाले क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा। फैक्टोरियल एन माइनस वन बाय टू हम लोग काम में लेते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस वन बाय टू हम लोग यहां पर काम में लेते हैं, क्योंकि माला किसी भी छोर से बनाई जा सकती है, आठ मोतियां हैं तो फैक्टोरियल एन माइनस वन बाय टू आपको काम में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए स्पीड थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चन चार सेट हम लोग पढ़ेंगे और चारों सेट्स में क्वेश्चंस काफी भर भर के आपको दिए गए। पच्चीस हजार पांच सौ रुपए की राशि, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन नंबर 88 को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच में शायद कुछ आपका मिस हुआ है वो हम लोग पढ़ लेंगे अभी। 25,500 रुपये की राशि पर तीन साल के अंत में जमा चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, दिखने में जितना छोटा लग रहा है उतना ही खोटा क्वेश्चन अभी, समझना। 25,500 रुपये की राशि को तीन साल के अंत में जो CI मिल रहा है मुझे, तीन साल के बाद वो मिल रहा है सर मुझे 8,440.50,
उसी राशि पर सेम रेट पर ऐसा ही कितना मिलेगा। देखिए जिन क्वेश्चंस में रेट आपको नहीं पता होती ना, वो क्वेश्चन वाकई में टफ होते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू अगर पता है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके स्क्वायर करके कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ के हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर रेट गायब है, अब जब तक रेट नहीं पता होगी तब तक हम लोग क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते। अब रेट निकालने के लिए कुछ लोग आपको बेसिक तरीका बताएंगे, आपको बेसिक फॉलो नहीं करना, आपको क्या करना है सुनिए। 25,500 रुपये प्रिंसिपल है, अच्छा आप मुझे बताइए अमाउंट कितना आएगा। अमाउंट आ जाएगा सर इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों डाटा को हम लोग जोड़ दें। तो आपको एक काम करना है, अमाउंट और प्रिंसिपल का ना रेशो निकालना है। तो मैं रेशो यहाँ निकाल देता हूँ, प्रिंसिपल 25,500, उसका मैं रेशो लेने वाला हूँ अमाउंट से। अमाउंट आएगा 25 और 8 33, 500 और 440 940, तो 33,940.50, 33,940.50। अब इन दोनों के बीच में आप रेशो निकाले, कितना रेशो निकाल सकते हैं, अब इन दोनों के बीच में रेशो निकालें फटाफट से, इन दोनों के बीच रेशो क्या आएगा निकाले, तो रेशो क्या आएगा देखिए सुनिए। सर पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो यहाँ पे आने वाली है, अच्छा सिंगल जीरो से सिंगल जीरो क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 5 के मल्टीपल है, 5 से कैंसिल करें इसको, 5 25 5 5 51,000, 5 से ये भी डिविजिबल है, 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 से फिर 5 6 30 कितने बचेंगे 3 39, 5 7 35 4 बचेगा 44, 44 में 5 से 8 बार, फिर 4 बचेगा फिर 8 बार, 5 5 डिवाइड हो चुका है। उसके बाद फिर से आप डिवाइड करें, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 के मल्टीपल है, 3 से 17 बार, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 6 18, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 बचेगा तो 3 7 21, 17 का मल्टीपल है 1000 बार, और 17 से कैंसिल हो जाएगा 1331 बार, तो 1000:1331 आ चुका है, 1000:1331 टाइमिंग कितना है, 3 साल है, टाइमिंग 3 साल दिया हुआ है, तो ये रेशो किसी न किसी का क्यूब होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए 1000 किसका क्यूब है सर, 10 का, और 1331 किसका क्यूब है, 11 का, 10 से अगर 11 होना है तो ब्याज मिलेगा 1 का 10 के ऊपर × 100, ब्याज 1 का 10 के ऊपर × 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइमिंग 3 साल है, तो ऐसा ही आपको मिलना चाहिए 30%, तो 25,500 का 30% निकाल दें आपको आंसर मिल जाएगा 5,650, राहुल बोल रहे हैं आंसर, 25,500 का 30% निकालो और आपको पता लगेगा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो पता लग गया आंसर क्या आ रहा है, आगे देखते हैं, बीच में एक आध क्वेश्चन आपका मिस हुआ है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन ये रहा 78, बीच में शायद एक क्वेश्चन और है आपके तो मिस हुए हैं। 78 देखिएगा, 3 संख्याओं का योग 102 है, यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 है और दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 5:3 है, तो आपसे पूछा गया कि दूसरी संख्या क्या है। सर पहला नंबर और सेकेंड नंबर के बीच जो रेशो है वो 2:3 है, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच जो रेशो है वो 5:3 है, तो कंबाइंड रेशो कैसे निकालते हैं, 3 पे एंड हुआ है तो आगे 3 आएगा, 5 से शुरू हुआ है तो पहले क्या आएगा 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 3 3 9, 10 15 9 रेशो आ चुका है। तो आपसे पूछा गया दूसरी संख्या कितनी आएगी, योग आपको 102 दिया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग योग 15 और 10 कितने होते हैं 25, 25 और 9 कितने होंगे भाई 34 होंगे, 34 की वैल्यू अगर 102 है, 1 का मान 3, तो 15 का मान 45, जो दूसरी संख्या है वो 45 है, बी ऑप्शन आपका आंसर है, 45 आपका आंसर आ गया। चलिए फटाफट से अभी रीजनिंग का भी सॉल्यूशन देखें, बाकी आगे 3 सेट और हैं जिनका सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे आपको, तो शेयरिंग करते रहे जितना ज्यादा शेयर आप लोग कर सकते हैं।
चलिए आइए, सबका स्वागत है सीएल कैरियर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन आज इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर कर रहे हैं। पहला जो पेपर अपने पास आया है वो ये है। चलिए, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है। पूछा गया कि ये जो आकृति है वो कहाँ पे संभावित, आप देखते ही बता सकते हैं, इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर ये वाली लाइन पूरी नहीं है, यहाँ पे ये वाली लाइन पूरी नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ से मिल रही है, आपकी यहाँ से आके पूरी मिलनी चाहिए। तो सी ऑप्शन आंसर है, सीधा सीधा आंसर दिया जा सकता है, आसानी से होने वाला प्रश्न है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए जाइए, जैसे सुबह कर रहे थे जल्दी जल्दी शेयर करते हुए जाइए। पांच नंबर क्वेश्चन, इनमें से आपको बेमेल मतलब ओड छांटना है, ओड बताते हुए जाइए, क्या ओड है इनमें से, जल्दी जल्दी बताते हुए जाइए इनमें से कौन सा ओड है। आइए, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं आप, रैंक देते हुए जाइए। इसकी रैंक कितनी है, 25 है। इसकी रैंक कितनी है, आप क्या मान सकते हैं, इसको 4 भी मान सकते हैं और 30 भी मान सकते हैं। एक ही बात, आप यहां से यहां पे आएंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा आपको। इसकी रैंक 4 और इसकी 9 है, यहां पे भी आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। 9 से 14 तक जाने के लिए भी 5 जोड़ना पड़ेगा। हर जगह कितना कितना जोड़ा है, 5 5, ये 13 और 18 है, 5 जोड़ा। 18 और 23 है, 5 जोड़ा। आइए, 23 और ये 28 है, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 मतलब बी होगा, तो ये इसमें भी 5 5 जोड़ रहे हैं। आइए, यहाँ पे 2, ये 7 है, ये 12 है, ये 17 है, यहाँ पे 5 जोड़ा, 5 5, हर जगह 5 5 जोड़ रहा है, पक्का इसमें दिक्कत मिलेगी। ये 16 और ये 20 है, यहाँ पे 4 जोड़ा है, बाकी हर जगह 5 5 जुड़ रहे हैं, तो डी आपका आंसर है, डी आए। चलिए, छठा क्वेश्चन है, वो भी रीजनिंग का ही है। क्वेश्चन ये कि यदि महीने का 10वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले हो, इसका मतलब शुक्रवार से 2 दिन पहले 10वां दिन है, तो शुक्रवार कब होगा, 12 तारीख को होगा, शुक्रवार 12 तारीख को होगा, क्योंकि 12 तारीख को शुक्रवार है, तो उससे 2 दिन पहले 10वां दिन आ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा 19वां दिन कौन सा होगा, तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, मतलब ये शुक्रवार है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, शुक्रवार ही आएगा। सीधा सा आंसर है, आराम से आंसर दिया जा सकता है, आपको करना आना चाहिए कैसे करते हैं, तब जाके बात बनेगी। चलिए, मिरर इमेज बतानी है भैया, ऐसा नहीं है कि आप इसको स्क्रेच करो और आपको और कुछ दिखने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। हेणा जी के तो गायब, दिख रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है, आंखें खोलो, सब कुछ है नहीं तो नहीं दिख रहा है, जल्दी से बताइए। इसका आपको मिरर इमेज बताना, बड़ा अच्छा और बड़ा लॉजिकल तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पे ये एरो ऐसे बनेगी, ये एरो ऐसे बनेगी, ये एरो ऐसे बनेगी, तो 2 एरो इस साइड होनी चाहिए, 2 एरो इस साइड अगर आप देखेंगे तो सब में एरो तो ठीक दे रखी, एरो में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ई आएगा, यहाँ पे ई दे रखा है, एम का एम आएगा, के का ऐसे आने वाला है, फिर आपका क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, फिर आपका एल आना चाहिए, ये ठीक दे रखा है। एस का क्या बनता है, ऐसे बनता है, एस दे रखा है। डी का कैसे बनेगा, आपका ऐसे बनने वाला है। एन का आपका ऐसे बनने वाला है। ओ का ओ बनेगा और पी का ऐसे बनने वाला है। अब देखते हुए दिक्कत कहाँ पे है, गड़बड़ कहाँ पे आपको नजर आएगी। इसमें तो आप देखेंगे तो ठीक नजर आ रहा है, ई यहाँ पे दे रखा है, एम दे रखा है, के दे रखा है, ए दे रखा है, एल दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एस आपको दे रखा है, डी भी ऐसे बना रखा है, एन भी बना रखा है, ओ भी बना रखा है, पी को सेम बना रखा है, तो इसको टाटा करिए। इसमें ऊपर नीचे तो इसको टाटा कर दीजिए आप। यहाँ पे देखिए ई आ गया है, एम आ गया, के आ गया, ए आ गया, एल आ गया, एस को सेम बना रखा है, टाटा करिए क्या आंसर आएगा, ए आपका आंसर आएगा। जो लोग ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे, जीएस रीजनिंग और मैथ ये ज्यादा पूछे गए हैं। चलिए, ये रहा भैया अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, बताइए क्या आंसर आएगा। आप अगर अच्छे से पढ़े हो बैठ के, जब जैसे मैं क्लास में बोलता हूं उसी तरह से अगर पढ़े हो, तो पेपर जो कट ऑफ जाएगी उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि पेपर क्रैक नहीं कर पाएगा पढ़ा हुआ बंदा, पढ़ा हुआ इंसान आराम से पेपर क्रैक कर सकता है, जो पढ़ाई किए हैं वो आराम से पेपर क्रैक कर सकता, पढ़ना पड़ेगा। दिक्कत क्या हो गया, अपने आप क्यों, क्या हो गया भैया, क्या ताकत आई, जल्दी से बताइए। कुछ लड़के पंक्तियों में बैठे हैं, पी बाएं से 14वां और क्यू दाएं से 7वां है, पी और क्यू के बीच में 4 लोग है, तो आप देख सकते हैं ये इधर से 14 है, ये इधर से 7 और बीच में कितने लोग है, 4 लोग है, तो 14 और 7 कितना होता है, 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आपका आंसर है। मैंने न्यूनतम और अधिकतम नहीं बोला है, तो आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा, गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड जस्ट वेट, आराम से होने वाले प्रश्न है, ऐसे नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आइए बिल्कुल आराम से आसानी से किए जा सकते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा जैसे तिरछा है, पर कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। इसको ये लिखा जाता तो बताइए इसको क्या लिखा जाए, आराम से किया जा सकता। क्वेश्चन का जो पूछने का सिस्टम है बड़ा जबरदस्त है, इस क्वेश्चन का बड़ा लॉजिकल है,
अगर आप रैंक देखेंगे तो देखिए अरेंजमेंट नहीं हो रहा, यहाँ के लेटर यहाँ से नहीं पूछे गए, आप शिफ्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप घबरा जाएंगे, देखते ही आपको लगेगा पीछे से करना चाहिए, आप टाइम वेस्ट करने वाले। देखिए इसकी रैंक 29 भी ले सकते हो, इसकी 25 है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे चार कम किया है, 18 से 14 पे है तो चार कम किया, 27 में से चार कम करूंगा तो 23 आएगा, 13 में से चार कम किया 9 आया, और 16 में से चार कम किया आपका क्या आएगा 12 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे शुरू होने वाला है। जी की रैंक 7 है, 7 में से चार कम करिए 3 आएगा, आइए हर ऑप्शन में 3 दे रखा है, आर कितना होता है आपका 18 में से चार कम करेंगे तो एन आएगा, इनको बोलो टाटा क्या तुम्हारा काम, ए में से चार कम करेंगे तो ओ नहीं आ सकता, सी आपका आंसर आ गया, आसानी से होने वाला प्रश्न है, आराम से किया जा सकता है, बच्चों वाला सा प्रश्न था बस। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बैठ के टफ लगने वाला है, यहाँ पे बड़ा आसान लगा है, एग्जाम में बैठ के बड़ा टफ लगने वाला ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बताइए क्या आंसर आएगा, आसानी से होने वाला प्रश्न है, आराम से किया जा सकता, आसानी से होने वाला प्रश्न है। वीडियो लाइक शेयर करते हुए जाइए, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके शेयर करते हुए जाइए वीडियो। चलिए बताते हुए जाइए, बहुत ही आराम से किया जा सकता है, क्या करेंगे वही डिवाइड करेंगे, तो आप आराम से देखेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, तीन तीन में डिवाइड करते जाइए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो शुरुआत बी से भी, ए आया सी आया सी आया बी आया बी आया, ऑप्शन में दे रखा है बी नंबर ऑप्शन, आराम से आसानी से होने वाला प्रश्न है। थोड़ा सा पेपर जो पिछला पेपर था, पिछले दो पेपर थे उनसे हल्का सा आसान पेपर है ये, यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आएगा देखते ही पता नहीं चलेगा, एक तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 57, आप आराम से देखेंगे तो सीरीज के नंबर पास पास, सीरीज कम हो रही है, जब सीरीज के नंबर पास पास और सीरीज कम होती भी जाए तो अपन अंतर लेते हैं, और अंतर किस में आएगा माइनस में, देखिए माइनस 3 है यहाँ पे, माइनस 5 है यहाँ पे, माइनस 7 है यहाँ पे, माइनस 11 है, तो माइनस 13 करिएगा आपका 62 आ जाएगा, क्योंकि क्या माइनस कर रहे हैं प्राइम नंबर माइनस कर रहे हैं, आई गया प्राइम नंबर कहीं ना कहीं से, देखते हुए जाओ आप क्यूब भी आ चुके हैं, प्राइम नंबर कहीं ना कहीं से पूछ लिया है। आइए लंबाई को नापने के लिए अपन किसका यूज करते हैं मीटर का, तो समय को नापने के लिए किसका यूज करते हैं मिनट का यूज करते हैं, तो आपका क्या आंसर आएगा मिनट आपका आंसर आएगा, आसानी से होने वाले प्रश्न है, डायरेक्ट मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूं। आइए ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, देखिए पूछने का जो तरीका है वो बड़ा जबरदस्त था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन में जो पेपर था पेपर में क्वेश्चन बड़े बड़े नहीं थे, क्वेश्चन थोड़े लॉजिक तरीके से पूछे गए थे, लॉजिकल तरीके से पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो समीर निरीक्षण ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन से शुरू करता है, सीधा चलता है, मैं मान लेता हूं सीधा वो कौन सी दिशा है, दिशा के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, दूरी के बारे में पूछा तो अपन मान लेते हैं वो किस दिशा में गया, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर, तो मैं इसको 4000 मीटर लिख लूंगा। आप बोलेंगे आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आगे हर जगह मीटर लिखा हुआ है, लोग वह घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख के, घबराने की जरूरत नहीं थी। वो बाएं मुड़ा, नॉर्थ का बायां क्या होता है वेस्ट होता है, वेस्ट में कितना गया अगर आप देखेंगे तो 600 मीटर गया, फिर वापस बाएं घुमाए तो यहाँ का साउथ आएगा, वेस्ट का बायां साउथ होता है 200 चला है, फिर वापस बाएं घुमाए ईस्ट का और कितना चला है 600 चला है, तो इससे इसको तो घर भेज सकते, ये 4000 है ये कितना है 200 है, दोनों अपोजिट है माइनस करेंगे तो 3800 बचेगा, लेकिन ऑप्शन में सारे किलोमीटर है, 1000 का भाग दे दो कितना आएगा 3.8 किलोमीटर आंसर आएगा, आसानी से होने वाला प्रश्न था, आराम से दिया जा सकता है आंसर, आराम से दिया जा सकता है ऐसा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए क्या आंसर आएगा, अच्छा प्रश्न है आराम से बताए जा सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं बता पाए, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, जो कल पेपर देके आएंगे मैं आपको बता देता हूं, शांति रखिए बस मन के अंदर, घबराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, अभी आपको फेसबुक वगैरह पे कोई भी नेगेटिव कमेंट दिख रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका काम है पेपर देके आना, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर आप मत जाइए, आपका काम है पेपर देके आना, अच्छे से पेपर देके आइए, शांति से पढ़िए, कोई कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने जितना पढ़ा अगर आप उसको भी अच्छे से वहां पे बताया है कर आए तो आपका काम हो जाएगा। आइए क्या बोला, शिल्पा का स्थान बाएं से 8वां, रीना का दाएं से 7वां 17वां है, दोनों ने बदल लिया तो यहाँ पे रीना लिख दीजिएगा और यहाँ पे क्या लिख दीजिए शिल्पा, यही तो होता है जब स्थान बदलते हैं, तो आइए तो बोला कि स्थान बदलने के बाद शिल्पा बाई ओर से 14वें नंबर पे आ जाती है, शिल्पा दाई ओर से 17वां पे है, बाई ओर से 14 पे आएगी, तो देखिए 17 और 14 कितने हो गए 31, एक माइनस करिएगा कितने लोग बचेंगे आपका 30 बचने वाले पक्का, तो पूछने वाला है कि बताइए कुल कितनी लड़कियां हैं, तो आंसर आ गया भैया, क्या आंसर आ गया, इनमें से कोई नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो।
आगे अब बड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो बताइए क्या आंसर आएगा आपको। सारे जितने भी पेपर आएंगे सबका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ये बताते हुए देखिए क्या बोल रहा है, सभी सुअर पशु है, सारे के सारे सुअर किस क्या आ रहे हैं भैया, पशु आ रहे हैं। कुछ पशु क्या है, पक्षी नहीं है, कुछ पशु पक्षी नहीं है, कुछ पशुओं का पार्ट किसके अंदर नहीं आ रहा है, पक्षी में नहीं आ रहा, मतलब कुछ का तो आ रहा है। क्वेश्चन ने बोला कुछ सुअर पक्षी नहीं है, कुछ सुअर क्या नहीं है, पक्षी नहीं है, तो सही बात है। जब कुछ पशु पक्षी के अंदर नहीं आएंगे तो सुअर तो किसका हिस्सा है आपका, पशु का तो हिस्सा है, तो ये वाली बात सही है। कुछ पशु सुअर है ऊपर से अंदर आते तो कुछ वाली बात सही होती है, तो आपको आंसर देना था दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, इसका अंदर आपका आंसर आएगा दोनों निष्कर्ष सही है। आइए, ये अच्छा प्रश्न है, इसको मैं सोल्व करके नहीं बताऊंगा, पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा निर्धारित नहीं करता, सोल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, तो बड़े वाले क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपके बैंकिंग वाले क्वेश्चन, मतलब जो भी पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनका मैं सोल्यूशन तो करवाऊंगा, पर एक जगह इकट्ठे करके फिर करवाने वाला। आइए, मधु ने एक फिल्म के लिए टिकट आरक्षित की, जिसके ट्रेलर टिकट आरक्षित करने के 20 दिन पहले विमोचन हुआ, तो उसने जिस दिन आरक्षित की थी उसके 20 दिन पहले ट्रेलर हुआ था भैया। फिर क्या बोला कि उसके ट्रेलर विमोचन के 45 दिन बाद उसने फिल्म देखी है, उसने जिस दिन फिल्म देखी उसके 16 दिन पहले फिल्म विमोचन हुई, सप्ताह के किस दिन फिल्म विमोचन हुई, यदि उसने रविवार को टिकट आरक्षित की थी, उसने रविवार को अगर टिकट आरक्षित की है तो 20 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो रविवार के 20 दिन पहले क्या आएगा, आप रविवार को 0 विषम दिन मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, 14 मान सकते हैं, 21 मान सकते हैं, मैं 21 में से 20 माइनस करूंगा तो 1 बचेगा, और 1 का मतलब सोमवार होता है, मतलब उसने जिस दिन ट्रेलर हुआ था, जिस दिन ट्रेलर आया था उस दिन आपका सोमवार था। अब आगे बढ़ते हुए जाइए, ट्रेलर विमोचन के 45 दिन बाद, मतलब ट्रेलर विमोचन के 20 दिन बाद ये है, 45 दिन बाद ये आएगा, तो कितने दिन बचेंगे, 25 दिन, और उसके कितने दिन पहले, 16 दिन पहले, तो 25 में से 16 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, मतलब कुल मिला के पूछने वाला है कि रविवार के 9 दिन बाद क्या होता है, और आप जानते हैं रविवार के 9 दिन बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा। ये आप आराम से आंसर दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे होगा, जो लोग जानते वो आराम से कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जब मैं आपको बताता हूं तो हमेशा बोलता हूं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बाकायदा मैंने पढ़ा रखा है। अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाए, मतलब जो ए से लेके जड़ था उसको जड़ से लेके ए लिख दीजिएगा, बाईं ओर से 16 में के बायां बारहवां क्या होगा, बायां बायां अगर आप दे रखा है तो अपन माइनस करेंगे, 16 में से बायां 12 जाएगा तो 4 बचेगा, बाईं ओर से मतलब जड़ की साइड से, और जड़ की साइड से 4 रैंक किसकी होती है, जो 4 का पेयर लेटर होगा, 4 का पेयर लेटर आपका डब्ल्यू होता है, ए ऑप्शन में लिख रखा है, आसानी से आंसर दे सकते हैं, आराम से आंसर दिए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जब आप आंसर नहीं दे पाएंगे। आइए, रीजनिंग का कोई और क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूं, नहीं है तो फिर अब आपको साइंस वाले क्वेश्चन, सर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराने वाले, तो आइए साइंस वाले सर से आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लीजिए। आइए, नमस्कार बच्चों, मैं हेमंत स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से अपन जो इवनिंग का जो शिफ्ट था आपका, उसका जो एक पेपर है इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल था वो कैसा था। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि आपका ना जो साइंस का क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखते रहिए, आप मेरे को बता दीजिए अगर आपको ध्यान आ जाए यहाँ से, ये साइंस का क्वेश्चन है तो उसको आप मेरे को बता दीजिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए आप, कि एक निम्नीकरण ट्रांस फॉर्मर द्वितीय कुंडली पर 120 वोल्ट पर एक 1000 वोल्ट लाइन पर 20 ए सुपुर्दक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यदि ट्रांसफॉर्मर की कार्य क्षमता 80% है तो लाइन से ली जा रही विद्युत है, तो लाइन से ली जा रही जो विद्युत होगी बच्चों ये कितनी होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर किसी को पता है तो बता दीजिए मेरे को, ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर अगर आपको किसी को पता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को बता दीजिए। क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन अपन करें तो इसका सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो मेरे को बता दो, अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते हो तो आप मेरे को बता दीजिए, अन्यथा मैं बताता हूँ फिर आपको। देखिए इसका जो राइट आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा,
इसका राइट आंसर इसमें दक्षता वाला जो आपका फॉर्मूला है वो लगेगा। और फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा बच्चों, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका वो लगेगा बी। अपने इसका कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करें तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा बच्चों, पी फाइव आई फाइव बटे आपका लगेगा बच्चों यहाँ से पी पी बटे आई पी, ठीक है। और यहाँ से जो वैल्यू रखी जाएगी वो किसकी रखी जाएगी, एन की वैल्यू रखी जाएगी। वी टू क्या है, यहाँ द्वितीय कुंडली के ऊपर वोल्टता है, ठीक है। वी आई एस क्या है, यहाँ से आई एस आपका द्वितीय कुंडली पर की धारा, आई एस क्या है आपका द्वितीय कुंडली की धारा, ठीक है। तो इसका ये रख के आप अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो यहाँ से ये सोल्व होगा कि एन बराबर चार बटे पाँच बराबर आपका सोल्व होगा एक बटे बीस गुना बीस, ठीक है। नीचे आप अगर इसको सोल्व करोगे एक हजार गुना आई पी तीन एम्पियर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है बच्चों। जिससे न्यूमेरिकल का जो राइट आंसर जो आपका बनेगा बच्चों कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका जो राइट। आवाज नहीं आ रही थी बच्चों, देखिए आपने इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपने किया वो क्या किया कि ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और सॉल्यूशन जो है मैंने आपको क्या बताया, ये इधर से ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो राइट आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा आपका तीन एम्पियर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, तीन एम्पियर होगा, ठीक है। आपने मेरे को बताया नहीं कि सर आवाज नहीं आ रही, इसका जो राइट आंसर जो होगा बच्चों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीन होगा, तीन एम्पियर होगा। आप इसको अगर सोल्व करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर तीन, वो मैंने लिख दिया है, आप देख लेना वहां से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर तीन बनेगा इसका, ठीक है। अगला जो है वो अगला जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व करते हैं, ठीक है। आप मेरे को बता देना कि सर इसमें से जो ऑप्शन आपको राइट लगता है उसका आप मेरे को बताइए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका कौन सा है, अगला जो आपका क्वेश्चन है साइंस का वो कौन सा है, अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन जो आता है बच्चों साइंस का कौन सा क्वेश्चन आएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए यहाँ से कौन सा आएगा क्वेश्चन आपका जो साइंस का आएगा बच्चों, ये आएगा पक्षियों में अग्रपाद किस में बदल जाता है, पक्षियों में जो अग्रपाद है किस में बदल जाता है, पंख के अंदर, नाखून के अंदर, चोंच के अंदर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप मेरे को दे सकते हो। अब बताइए भाई ये जो क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई आवाज आ गई, तो मैंने यहाँ से कहा पक्षियों के अग्रपाद किस में बदल जाते हैं, क्वेश्चन आपका ए नंबर ऑप्शन है पंख में बदल जाते हैं, नाखून में बदल जाते हैं, चोंच में बदल जाते हैं, अगला डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, आप बता दीजिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, फिर अपने इसका आंसर आपको बताते हैं। अगर आपको पता है तो बता दीजिए कि पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं बच्चों किस में बदल जाते हैं, ऑप्शन नंबर एक आपका क्या दिया गया है यहाँ से पंख दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी चोंच, ऑप्शन नंबर सी नाखून, और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ से लगभग जहाँ तक मेरा अनुमान है इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, अगला जो आपका क्वेश्चन है साइंस का वो दिया गया है आपसे, और क्वेश्चन क्या दिया गया है आपसे, क्वेश्चन ये दिया गया है कि इनमें से एक अपघटक है, इनमें से एक अपघटक क्या है, अपघटक वो होते हैं बच्चों जो जीवों के मरने के बाद उनको अपना भोजन बनाते हैं, अपघटक वो होते हैं जो जीवों के मरने के बाद उनको अपना भोजन बनाते हैं। राम राम भाई, सभी को राम राम, ठीक है, सभी को राम राम बच्चों, सभी को नमस्कार। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है खरगोश, बी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है कवक, सी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है कौवा, अगला डी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है बाघ। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या बनेगा कि इनमें से कौन सा एक अपघटक है, कवक है, खरगोश है, कौवा है या बाघ है। तो इसका जो राइट आंसर जो बनेगा बच्चों आपका वो बनेगा यीस्ट, इसका जो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये जो होते हैं ये मरने के बाद जो जीव होते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि चूहों के प्रजनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन क्या कहलाते हैं, चूहों में जो प्रजनन की क्रिया होती है इनमें मिनिस्ट्री साइकिल तो एब्सेंट होता है इसलिए डी नंबर ऑप्शन आता नहीं, लैंगिक चक्कर, अगला है अलैंगिक चक्कर, अगला है मध्य चक्कर, अगला है मासिक चक्कर। तो ये जो होगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि चूहों में जो रिप्रोडक्शन की जो 48 नंबर भी क्वेश्चन साइंस का है क्या भाई, बता देंगे अगला 48 नंबर क्वेश्चन भी, एक 61 नंबर क्वेश्चन भी आपका साइंस का ही है। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं पहले, 48 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका साइंस का है क्या, 48 नंबर क्वेश्चन साइंस का नहीं है बच्चों,
अच्छा 48 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपका साइंस का है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण सर्किनोट्रोपस प्रकार के अंडाकार के लिए है। सर्किनोट्रोपस जो है ये किस प्रकार के पादपों के अंडाकार के लिए उपयोग में लिया जाता है? सरसों के लिए लिया जाता है, टमाटर के लिए लिया जाता है, ओप्टिया के लिए लिया जाता है, लेमना के लिए लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताइए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आप मेरे को बता दीजिए। तो ये जो इसका राइट आंसर जो बनता है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। सर्किनोट्रोपस जो होता है ये ओप्टिना जो समूह होता है इसके लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला जो आप क्वेश्चन देखोगे वो देख लेना। अगला जो आपका क्वेश्चन है बच्चों कौन सा क्वेश्चन आपका, ये मैंने बता दिया आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ से 60 नंबर वाला भी मैंने आपको बता दिया, 61 नंबर क्वेश्चन मैंने पता नहीं आपको कितनी बार बताया है। क्वेश्चन ये देखिए, मेंढक पानी में श्वसन किसके माध्यम से करता है? उभयचर एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें श्वसन के लिए लंग्स होते हैं, किंतु आपको ये लाइन बिल्कुल सेम के सेम लिखवाई गई है। क्या लिखवाई गई है कि मेंढक जो होता है वो पानी के अंदर जब रहता है तो त्वचा से श्वसन की क्रिया करता है, और जब पृथ्वी पर वापस आ जाता है तो किससे श्वसन की क्रिया करता है? लंग्स से करता है, ठीक है। तो ये अगर आप अपने नोट्स में देखोगे तो वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि 63 नंबर जो क्वेश्चन है, चूहों में प्रजनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो चूहों में न तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, न असेक्सुअल होता, न्यूस्ट्री साइकिल जो होता है इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ओस्ट्रियस साइकिल जो आएगा सी नंबर जो ऑप्शन होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ से राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए साइंस का। अगला जो आपका क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन है आपका कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण समान त्रिज्या दर्शाता है। लैंथेनाइड जो तत्व होता है फोर ब्लॉक में पाया जाता है, ये किसके समान संरचना दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने एक चीज पढ़ रखी है, यहाँ से आपने क्वेश्चन क्या पढ़ रखा है कि लैंथेनाइड जो होता है ये जर्कोनियम के समांतर अपनी त्रिज्या दर्शाता है, ठीक है। यहाँ से आपने केवल एक लाइन पढ़ रखी है मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो यहाँ से लैंथेनाइड और इसके साथ मैंने आपको क्या बताया था कि जर्कोनियम के कारण, ठीक है, वो इसका आयनन विभव निकाल के सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। तो यहाँ से जो इसका जो राइट आंसर बनता है बच्चों कौन सा बनता है? ऑप्शन नंबर बी बनता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आप देखिए साइंस का कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाले एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुरुत्व यू प्रमुख क्वांटम संख्या एन के साथ परिवर्तित होता है। तो यू और जो माइक्रोन जो है और एन जो है इसके बीच को संबंध को दर्शाइए, ठीक है। तो ये चीज भी हम पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, माइक्रोन किसके समानुपाती हो जाएगा बच्चों? एन स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। यहां से जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हो आप देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको देखिए, ये है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जटिल जिसमें एक धातु केवल एक प्रकार के दानकर्ता समूह के साथ बंधा होता है। आपसे क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक धातु जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनती है उस समूह को हम क्या कहते हैं? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हेरोटेलेप्टिक कहा जाता उसे, होमोलेप्टिक कहा जाता उसे, समदंती कहा जाता उसे, विषम दंती कहा जाता है, ठीक है। तो ये समदंती विषम दंती ये तो हम यूज करते हैं किसके लिए? ये मोनोफाइकोडोंट, ये क्या है आपका हेटेरोफाइकोडोंट, ये तो हम यूज करते हैं दांतों के लिए, किंतु धातु के लिए अपन क्या यूज करेंगे? मेटल वर्ड यूज करेंगे। तो यहां से केवल एक के लिए हम यूज करते हैं होमो वर्ड का। हेटेरो जो वर्ड आता है इसका मीनिंग क्या होता है? विषम प्रकार के। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है साइंस का वो आप देखिए, अगर छूट जाए मेरे से कोई क्वेश्चन तो आप मेरे को बता देना कि सर ये क्वेश्चन आपसे छूट गया, ठीक है। तो ये अपना साइंस का जो क्वेश्चन है बच्चों ये सोल्व अपन ने कर लिए, ठीक है। अपन ने लगभग आज टोटल 5 पेपर को सोल्व किया, और उन पेपरों को अपन ध्यान से देखेंगे तो लगभग साइंस का जो लेवल था वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो सिस्टम जो हुआ पेपर का वो कहीं ना कहीं फायदा देगा पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए, और ये टीचर को भी बड़ी खुशी देगा, उनकी जो अंतरात्मा उसको थोड़ा सा अनुभव होगा कि हमारे स्टूडेंट जो पढ़ के गए हैं कोई नेगेटिव पॉइंट तो हमारे अंदर आएगा नहीं भर्ती के भर्ती। तो अच्छा सिस्टम था, बड़ा अच्छा लगा आज के पेपर सोल्व करवा के, ठीक है बच्चों, थैंक्स, धन्यवाद। अब आप अगला पेपर सोल्व कीजिए जीके का।
नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हम लोग जो अभी शाम का जो पेपर हुआ है, अभी जो इवनिंग शिफ्ट का, उसमें जो है जो पेपर हुआ है, अभी हम देखते हैं सीएल करियर कोचिंग के जो है प्लेटफॉर्म पर सबसे शुद्ध और सटीक आंसर जो है बताए जा रहे हैं। अब सबसे पहले और सबसे तेज, इसमें अभी जो आपने साइंस और इसका जो है आंसर देखा था, ठीक ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आए थे। अब थोड़ा हम देखते हैं इसमें जीके के प्रश्न, जीके के बहुत अच्छे खासे प्रश्न आए हैं। कुछ प्रश्न इसमें है बहुत स्तरीय है, ठीक ना, लोगों को थोड़ा सा टफ भी लगा होगा, थोड़ा क्या अच्छा खासा टफ लगा होगा, ये तो हरियाणा में होते रहता है, तो इस तरीके से देखते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आसान भी है, लेकिन कुछ टफ भी है, मिला जुला के जो है पेपर थोड़ा लेवल से ऊपर है। जो अच्छे पढ़े होंगे उनके लिए जो है बहुत बढ़िया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हल कर पाए होंगे, ठीक है। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर पढ़ाए गए अधिकांश क्वेश्चन जो है परीक्षा में आ रहे हैं, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन चलिए ठीक है तो हर बार हर एग्जाम में होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन जो है इसमें आ रहे हैं। तो देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन, इस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं जीके का। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों की खेती करता, बहुत आसान सा है, आप देखेंगे तो इस तरीके के ट्रंक फार्मिंग के लिए जो है होता है, ट्रंक फार्मिंग खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। एक और यहाँ पर मालाबार युद्ध अभ्यास है, बहुत ही फेमस है मालाबार सैन्य अभ्यास। मालाबार सैन्य अभ्यास का उत्तर जो है देखिए क्या होगा, मालाबार सैन्य अभ्यास जो है इसका उत्तर जो है होगा, मालाबार सैन्य अभ्यास अब चार देशों के बीच में होता था। पहले होता था भारत, ठीक है ना, जापान और यूएसए। तो भारत जो है यूएसए और जापान के साथ, पिछले साल इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया गया था, तब चार हो गया है, लेकिन भारत यूएस और जापान के साथ करता है, इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है और इसका सटीक उत्तर भी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फटाफट हम ये क्वेश्चन करेंगे, आप इसको जो है मिलाते चलिए। ये देखिए थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन जरूर है, ये जो है इतिहास का और खास करके देखें पॉलिटिकल इतिहास का क्वेश्चन हो जाएगा। चौथी वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक कहां आयोजित की गई, चौथी वर्ल्ड सोशल फोरम, आप देखेंगे इसके लिए 2004 में चौथा वर्ल्ड फोरम जो है ये सोशल फोरम का मुंबई में आयोजन किया गया था। चौथे का उत्तर हो जाएगा डी, आप लोग इसको देखिए, चौथे का उत्तर हो जाएगा डी, चौथा वर्ल्ड सोशल फोरम का, ठीक ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक ये सीआरपीसी के धारा से प्रश्न पूछा गया है, सीआरपीसी से प्रश्न है, अभियुक्त से पूछताछ करने की शक्तियां किसके अंतर्गत आती हैं, पावर्स टू एग्जामिन द अक्यूज्ड कम्स अंडर, किसके अंतर्गत आती हैं, ये होगा सीआरपीसी की धारा सेक्शन 313 टू क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973, इसका ऑप्शन सही होगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है सी, सातवें नंबर प्रश्न का। आप लोग मिलाते चलिए और अपना जो है स्कोर भी लास्ट में जो है बताइएगा। आठवां प्रश्न इकोनॉमी से पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं, थोड़े कुछ स्तरीय प्रश्न भी हैं, ठीक ना। इसमें देखते हैं, परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु ने निम्नलिखित बृहद शाखाओं का अध्ययन किया है, किस बृहद शाखाओं का जो है, ठीक है, तो परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र के विषय, तो आठवें प्रश्न देखिए इकोनॉमी से है, परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु निम्नलिखित में से, ठीक ना, बृहद शाखा के रूप में अध्ययन किया जा रहा है निम्नलिखित से, इसका उत्तर हो जाएगा ए, सूक्ष्म और बृहद अर्थशास्त्र, ठीक ना, ये भी जो है आजकल इसके विषय वस्तु है और बृहद तौर पर इसका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो इस आठ का उत्तर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही उत्तर है ये। अगला जीके का प्रश्न देखते हैं, ये बहुत ही शानदार नवीकरणीय ऊर्जा से प्रश्न है, भारत ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य कब तक रखा है, आप देखेंगे भारत ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2030 तक, 175 गीगावाट का लक्ष्य 2022 तक रखा था, जिसको हमने समय से पहले पूरा कर लिया है,
और उसको बढ़ाकर अब कर दिया गया 450 गीगावाट और ये 2030 तक बहुत बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी 11 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, दो दिन पहले ही इसके बारे में बताया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं, सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र के किस अंग में, जिसके 6 अंग है। पहला है सामान्य सभा या इसको बोलते हैं आम सभा, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, ये उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में 193 सदस्य हैं और इसका जो सबसे नया सदस्य है वो है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान इसका नया सदस्य है, ये 2011 में आया था, तो ये ध्यान रखिएगा। 13वें का उत्तर हो जाएगा ए। आते हैं अगले प्रश्न पे, अगला देखिए, अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, 2032 के ओलंपिक कहां होंगे, इसका उत्तर देखिए, 2032 के ओलंपिक कहां होंगे, 2032 के ओलंपिक कहां होंगे, आप ध्यान रखिएगा। इस बार टोक्यो में था, यहां पे बता दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये, 2024 में जो होगा वो होगा पेरिस में, 2024 का पेरिस, 2028 का होगा वो होगा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और 2032 का ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ महीने पहले घोषित हुआ है। 18 का ए उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा 18 का ए, 2032 का ओलंपिक होगा ऑस्ट्रेलिया में। साफ फैजल बहुत ही अच्छा, आप सही उत्तर बता रहे हैं। प्रीति जांगिर बिल्कुल सही, नवदीप जोगी, निशु यादव, आप लोग इसका उत्तर देखिए ठीक ना। तो 2032 का ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, ये देखिए कमी का मूल है, कमी किसका मूल है, कमी का मूल है, देखिए कमी किसका मूल होगा, यहां भरना है किसका मूल होगा, कमी किसका मूल होगा, समस्त आर्थिक समस्या, राजनीतिक, सामाजिक या इनमें से कोई नहीं, तो कमी जो है सामाजिक समस्याओं का मूल है, कमी से सभी सामाजिक समस्याएं। सी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कल ही का पढ़ाया गया संयुक्त राष्ट्र, काफी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और ज्यादा प्रश्न इस बार संगठनों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं ठीक है। तो एक चीज देखिए, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य कौन है, तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य हैं, 5 ही हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रूसी संघ, जिसका उत्तर हो जाएगा सी, बिल्कुल 44 का सी सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, यूरोप का महान सम्राट ग्रैंड मोनार्क किसे कहा जाता है, ग्रैंड मोनार्क किसे कहा जाता है, अंकुश यादव बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बिल्कुल सही, ग्रैंड मोनार्क किसे कहा जाता है, लुई चौदहवें को कहा जाएगा ठीक ना। 45 का सी उत्तर सही होगा, बिल्कुल ये कोई भी उत्तर गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रश्न देखिए, देश में परिसंपत्ति पुनः निर्माण कंपनियों के काम काज की समीक्षा करने के लिए एआरसी, यहां ध्यान देंगे एआरसी के काम काज की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है, एआरसी की जो परिसंपत्ति उसकी समीक्षा करने के लिए किसका गठन किया है, इसका गठन उत्तर बताइए किसका गठन किया है, तो सुदर्शन सेन समिति, इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी, 53 का बी उत्तर सही होगा ठीक है ना, 53 का उत्तर जो है 53 का बी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम, SMPS का क्या मतलब है, SMPS का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई,
स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का मतलब है। चौवन का डी उत्तर सही होगा, चौवन का उत्तर डी सही होगा, ठीक है, चौवन का डी आप लोग मिला लीजिए, बिल्कुल सही उत्तर है, नो एनी डाउट। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न देखिए, जायद के मौसम में फसल बोई जाती है और काटी जाती है, जायद के मौसम में फसल बोई और काटी जाती है कब, अप्रैल जून, 56 का सी, अप्रैल और जून 56 का सी, ठीक है, 56 का सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बताया हुआ प्रश्न है, पढ़ाया भी गया है, मैडम विजयालक्ष्मी पंडित 1953 में 8वां सेशन हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा का, उसका अध्यक्ष बनाया गया था, सी उत्तर सही है, 58 का उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक और ये रिपीटेड और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की उत्तर सही है, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। प्रीति जांगीर, नवदीप, अरविंद, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची दल विदोल विरोधी कानून संबंधित है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल विदोल विरोधी कानून से संबंधित है, 10वीं अनुसूची, उत्तर बी, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, याद रखेंगे ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, 67 नंबर का उत्तर होगा बी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न, वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, सबसे अधिक ग्रोथ रेट वाला द्वीप कौन सा है जहां सर्वाधिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सर्वाधिक ग्रोथ रेट अफ्रीका महाद्वीप में, इसका ऐसा ही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप, 68 का उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, 69 का देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में गरीबी का सूचक है, गरीबी किससे देखी जा सकती है, पोषण की कमी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, यह भी एक काउंट होता है, नौकरी के अवसरों की संख्या में कमी गरीबी लाता है, यह भी सूचक में रखा गया, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव, सभी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 69 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, एक देखिए, सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार देश में सिक्के का अधिकतम मूल्य क्या जारी किया जा सकता है, सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार
देश में सिक्के का अधिकतम मूल्य क्या जारी किया जा सकता है? तो सिक्का अनुसार, इसके अनुसार जो है 1000 रुपए तक का, सिक्का अधिनियम 1906 में 1000 रुपए मूल्य तक का सिक्का जारी किया जा सकता है। 73 का उत्तर हो जाएगा ए, 73 का उत्तर हो जाएगा ए। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, किस नदी किनारे कौन सा शहर है, इस तरीके के प्रश्न। श्रीनगर किस नदी के किनारे है, यह प्रश्न पूछा गया है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है, इसका जवाब देखिए, श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न जरूर पढ़े रहने चाहिए, याद होने चाहिए। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। तो 75 का आंसर हो जाएगा डी। ये एक प्रश्न देखिए, 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कैसे में हुआ था, कहां हुआ था 18वां? थोड़ा पुराना हो गया, लगभग 2 साल पुराना हो गया 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन पूछा गया है, ठीक है। तो ये हुआ था, पिछले बार तो वेनेजुएला में हुआ, लेकिन उसके पिछले बार बाकू में हुआ था, 18वां बाकू। 76 का सी होगा, 76 का सी बाकू में हुआ था, इसका सही जवाब सी होगा। 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, बाकू में हुआ था, बिल्कुल इसका एकदम सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका देख लीजिए, कैसी का CSSRI, इसका क्या मतलब है, पूरा नाम बताना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब है डी ही, इसका मतलब है सेंट्रल सेलाइन सेंट्रल सॉयल मिट्टी, सेंट्रल सॉयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक ना। ये 81 का उत्तर हो जाएगा डी, 81 का सबसे सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा डी, 81 का सही उत्तर डी होगा। एक प्रश्न देखिए, ईमेल देखने के लिए किस पर क्लिक करेंगे, नए ईमेल इनबॉक्स पे, इनबॉक्स में सारे ईमेल इनबॉक्स में आते हैं। धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए कदमों में से क्या एक कदम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कदम उठाए हैं उनमें से कौन सा एक है, ठीक है। तो उनमें से एक है KYC, हर व्यक्ति को आजकल अकाउंट खुलवाते समय KYC कराना पड़ता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, नो योर कस्टमर। तो 82 का उत्तर इनबॉक्स ए हो जाएगा और 83 का हो जाएगा डी, बिल्कुल सही उत्तर है ये। एक और 85 नंबर का प्रश्न है, यहां पर आप देखेंगे 85 नंबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत भारत का पहला वाटर प्लस नगर कौन सा है, पहला वाटर प्लस नगर कौन सा है। पहला वाटर प्लस नगर कौन सा है, इंदौर। ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2021 में आया था उसमें वाटर प्लस नगर इंदौर को बताया गया, सही उत्तर बी है, सही उत्तर बी इंदौर, वाटर प्लस नगर में सबसे सही उत्तर जो होगा 85 नंबर का बी होगा। अगला देखते हैं, वाटर प्लस नगर का इंदौर हो जाएगा। भारत में स्थापित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, भारत में पहला स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर में पहला है नीलगिरी, 1986 में बना था, 1986 में नीलगिरी पहला बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व पहला नीलगिरी है। नीलगिरी है, नीलगिरी 86 का हो जाएगा सी, 86 का सी, ठीक है। वह अपने पदों को प्राप्त परिभाषित अधिकारों और कर्तव्यों के साथ सामाजिक स्थिति को संदर्भित करता है, पहचान, ठीक है, पहचान 87 का बी,
87 का आंसर हो जाएगा बी। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुरा डेन्यूब, ये इसका अंतिम क्वेश्चन है, मुरा द्रव डेन्यूब एमडीडी हाल ही में चर्चा में था या किससे संबंधित है? यह दुनिया के यूरोप के पांच देशों का एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। सी उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट और सटीक उत्तर है इसका सी। दुनिया के पांच देशों ने एक बड़ा, बहुत बड़ा बायोस्फीयर, जो दुनिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर जो हो जाएगा स्थल पर, यह डेन्यूब नदी को बनाया गया है, तो 89 का सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन सीएमवाईके का क्या मतलब है? ठीक ना, तो हो जाएगा सियान, सी से सियान, मैजेंटा, वाई से येलो और ब्लैक, इसका उत्तर होगा ए, 90 का ए। तो इस तरीके से आप देखेंगे बिल्कुल शानदार और सही उत्तर बताया गया है, इसे आप मिलाइए। ठीक ना, ये जो हम लोग का पांचवा पेपर था, इसमें लगभग सारे उत्तर लगभग सही है जीके के और साइंस के जो भी बताए जा रहे हैं, और इसमें जो बचा अभी हम बताएंगे, और भी क्वेश्चन है बहुत जल्द हम लेके आएंगे। ठीक ना, आप इससे जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद। स्टूडेंट, आप लोगों ने जीके का सॉल्यूशन देखा भी, प्रैक्टिस सेट वन का। अभी सेकंड जो पेपर आपका हुआ था, चार पेपर सेट आपको मिल चुके हैं, मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस चल रहा है, सेशन को शेयर आप लोग जरूर करें। तो सेकंड पेपर देख लेते हम लोग, उसमें मैथ्स के क्या क्या क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा। 7 क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एससीएफ, दो संख्याओं का आपको दिया हुआ है एससीएफ,
ये तो है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये आपको दिया हुआ है भाई LCM दिया हुआ है। अब उनमें से एक डाटा आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, सेकेंड आपसे पेयर पूछा गया, आप लोगों से पूछा गया कि सेकेंड पेयर क्या आएगा। गुड इवनिंग अर्चना, सेकेंड पेयर आप लोगों से क्या आएगा आपसे पूछा गया है। एक रूल होता है LCM HCF का कि सर LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का। तो ये प्रॉपर्टी जहां फॉलो हो रही है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब मल्टीप्लाई करने हम लोग नहीं बैठेंगे, एग्जाम में टाइम नहीं है इतना कि मैं मल्टीप्लाई करूं फिर मैं डिवाइड करके चेक करूं हर एक ऑप्शन को, फिर इसमें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो अप्रोक्सीमेट हम लोग अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकालेंगे कैसे, 3x की पावर 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 6 आएगा, तो 3x की पावर 6 आना चाहिए। यहां देखिए एक्स स्क्वायर है फर्स्ट नंबर, एक्स स्क्वायर है सेकेंड नंबर, में क्या लूं कि x की पावर 6 आ जाए, तो सर 3x की पावर 4 आना चाहिए, तो 3x की पावर 4 सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, उसके हिसाब से तो हम लोग सारे ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते। अब आप एक काम करें, एक बार लास्ट की स्टेप चेक करें, लास्ट की स्टेप y का मल्टीप्लाई माइनस के 2 × y की पावर 5 से करेंगे, तो माइनस का 2 × y की पावर 6 आएगा, माइनस का 2 × y की पावर 6 आएगा। बस समझ में आ रही है क्या, माइनस का 2 × y की पावर 6 आएगा। अब ध्यान देना एक बार, यहां माइनस का वाई स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर है, और माइनस का 2 × y की पावर 6 आना चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब डाटा प्लस में आना चाहिए, और 2 × y की पावर 4, यानी मुझे ये श्योर हो गया सर ना तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो सकता है ना ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि वाई स्क्वायर जो है नेगेटिव में है, नेगेटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तभी नेगेटिव आ सकता है, और यहां पर डाटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन है डी ऑप्शन। और सी और डी में देखिए अलग चीज क्या है, सी और डी में सारी चीजें सेम है सिवाय इसके, ये आपको पॉजिटिव दिया हुआ है या आपको नेगेटिव दिया हुआ है, इसको भी चेक कर लो भाई। एक्स स्क्वायर का जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 4 y स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर भी देखते हैं एक बार x की पावर 4 y स्क्वायर किस में आ रहा है, 5 × x की पावर 4 y से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 5 × x की पावर 4 y स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही आगे चल करके x की पावर 4 y स्क्वायर आपको मिल सकता है। तो गिवन जो 4 ऑप्शन है उसमें सबसे सटीक कौन सा आ रहा है, सी आर। 3 ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते, तो अगर आंसर होगा तो सी होगा वरना नहीं होगा। अगर आंसर पॉसिबल था सी था, तो अगर हम लोग ऑप्शन एग्जाम में हमें दिया हुआ क्वेश्चन और हमें इन ऑप्शन में से चुनना है तो सबसे जो पॉसिबल आंसर है वो सी है, बाकी तो मल्टीप्लाई करने पता लगेगा कि डाटा सेट हो रहा है नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, 20 मिक्सचर एलिगेशन, सॉरी परसेंटेज का क्वेश्चन, 30% कैनेडियन परिवार के पास कुत्ते हैं, 30% कैनेडियन परिवार के पास कुत्ते हैं, 30% कैनेडियन परिवार के पास बिल्ली है, 30 और 30 60 हो गए, 50% परिवारों के पास ना तो कुत्ता है ना बिल्ली है, तो 50% के पास कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसका मतलब बाकी के जो 50% है वो ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई पेट है, कोई ना कोई पालतू जीव है, या तो वो कुत्ता होगा या फिर क्या होगा वो बिल्ली होगी, तो 50% ऐसे भी हैं जो कुछ ना कुछ जीवों को पालते भी हैं। मेरे अकॉर्डिंग पालने वाले कितने, 30 और 30 60। अब बताइए मुझे लेके कितना आना है, मुझे 50 लेके आना है, इसका मतलब 10% ऐसे होंगे जिनके पास दोनों जीव होंगे, तो 10 को आप लोग माइनस करेंगे इसमें से, तो कितने परसेंट कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों है, 10% 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास कुत्ता और बिल्ली दोनों है। अपने आंसर मैच करते चले आप लोग, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं सेशन को टेयर साथ की साथ करते रहिएगा, 10% विल बी द आंसर, 10% क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक समतल में, यहां ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक समतल में आपको दिया हुआ है 10 बिंदु है, ठीक है, जिसमें से 6 क्या है सररेख है, सररेख का मतलब होता है तो मैं कोलिनियर का मतलब 6 डॉट्स जो है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं और बाकी 4 हवा में उधर उधर फैल रहे हैं ना। अब इन 6 डॉट से कोई भी ट्राइंगल नहीं बन सकता, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए कम से कम एक पॉइंट जो है बाकी दोनों पॉइंट से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, यानी कि 2 पॉइंट तो हो सकते हैं सररेखीय, तीसरा पॉइंट अलग होना चाहिए। अगर तीनों पॉइंट मैंने एक लाइन में ले दिए तो उन 3 पॉइंट से कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है। मुझे पता है कि ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए,
तीन पॉइंट चाहिएंगे, मेरे पास पॉइंट कितने हैं 10 हैं, तो मैं 10 में से 3 पॉइंट ले लेता हूं, तो ये आ गया 10C3। 10 में से 3 पॉइंट मैंने ले लिए, ये आ गया 10C3। अगर एक भी पॉइंट संरेख नहीं होता, कोई भी दो बिंदु संरेख या तीन बिंदु संरेख नहीं होते, तो हम लोग 10 में से कोई भी 3 पॉइंट लेकर के ट्राइंगल बना सकते हैं। अब मेरे पास 6 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं, मतलब कि इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर मैंने इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिए तो उनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो आप माइनस कर दें 6C3 को, क्योंकि आपने अगर 6 में से 3 पॉइंट्स को लिया, 6 में से 3 पॉइंट्स को अगर आपने लिया तो उनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, उसको आप माइनस कीजिए, तो 6C3 माइनस होगा। तो 10C3 माइनस 6C3 सॉल्व कर लेते हैं। 10C3 आपका आएगा 10 × 9 × 8 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1, इसमें से माइनस हो रहा है 6C3, 6 × 5 × 4 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 = 6 कैंसिल हो गया। 3 से 9 तीन बार कैंसिल हुआ, 2 से 10 पांच बार, 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 120, 120 में से 20 माइनस हो रहा है 100 बनेंगे। तो ट्राइंगल कितने बनाए जा सकते हैं, 100 बनाए जा सकते हैं। 100 अगर आपने किया है तो आपका आंसर राइट है वरना गलत है, 100 अगर आपने किया है तो आप बिल्कुल राइट है वरना फिर आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अर्चना आया था बिल्कुल 100 आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है भी 100। आगे देखिएगा, और कौन से क्वेश्चन जो मैं 29 क्वेश्चन, ठीक है। ए किसी प्रविष्टि को प्रोसेस करने में लेता है 3 मिनट, यानी कि ए जो है 3 मिनट में कोई प्रोसेस एक कर सकता है, बी 5 मिनट लेता है किसी प्रोसेस को पूरा करने में, तीनों ने मिलकर 1 घंटे में 14 प्रोसेस पूरी की, एक प्रविष्टि को अकेले प्रोसेस करने में सी को कितने मिनट। आप सुनिए, 1 घंटे यहां पर कॉमन लिया गया, हमें काम करते हैं पता कर लेते हैं ए जो है वो 1 घंटे में कितनी प्रोसेस करता है। सर ये 3 मिनट में एक प्रोसेस करता है तो 60 मिनट में कितनी करेगा, समय 20 गुना हो गया, 3 मिनट में एक प्रोसेस तो 60 मिनट में 20 प्रोसेस, 20 + 60 होते हैं तो आ जाएंगे 20 प्रोसेस। अच्छा बी 1 मिनट में कितनी प्रोसेस करता है, बी सर 5 मिनट में एक प्रोसेस करता है तो 60 मिनट में कितनी करेगा, समय 12 गुना हो गया तो प्रोसेस भी 12 गुना हो जाएगी, तो सर बी जो है वो 1 घंटे में कितनी प्रोसेस करेगा, 12 प्रोसेस, जबकि तीनों मिलकर 1 घंटे में कितनी प्रोसेस करते हैं 42, 14 तो इनका एवरेज है, आप देखिए औसतन 14 करते हैं, तो तीनों मिलकर के 1 घंटे में टोटल कितनी प्रोसेस करते होंगे, 14 × 42। अब मुझे पता लग गया सर ए और बी मिलकर के कितनी प्रोसेस कर रहे हैं 32, जबकि तीनों मिलकर कितनी कर रहे हैं 42 कर रहे हैं, इसका मतलब सी ने कितनी प्रोसेस की होगी, 10 प्रोसेस की होगी, कितने मिनट में 60 मिनट में, तो सी जो है वो 60 मिनट में 10 प्रोसेस कर सकता है, 60 मिनट में 10 प्रोसेस की जा सकती है। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक प्रोसेस करने में सी को कितने मिनट लगेंगे, तो आपको पता है कि 10 प्रोसेस करने में अगर सी को 60 मिनट लगते हैं, एक प्रोसेस करने में सी को लगेंगे भैया 6 मिनट्स, इतना सा आंसर था, वर्बली भी किया जा सकता था, बस क्वेश्चन को समझने वाली बात थी, तो सी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर। आगे चलो आगे बढ़ी, 31वां क्वेश्चन 41 रुपए की राशि को मुझे 50 लोगों में बांटना है, उन 50 में से कुछ लड़के और कुछ क्या है लड़कियां हैं, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिलेंगे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलेंगे, लड़कों की संख्या कितनी है। आप बिल्कुल लड़कों की संख्या x मान लें, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 50 - x, ऐसे इस क्वेश्चन को बाकी सभी लोग बता रहे होंगे, हम लोग एलिगेशन से करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले भाई एलिगेशन से, तो ध्यान देना सभी एक बार एलिगेशन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैं मान लेता हूं कि 50 के 50 लड़के हैं, हर लड़के को 90 पैसे मिल रहे हैं, तो 50 लड़कों को कितने पैसे मिलेंगे, 50 × 90 4500 पैसे, तो रुपये कितने मिले, रुपये मिले सर 45, लड़के और लड़कियों में अनुपात निकालने जा रहा हूं मैं, ध्यान देना, लड़के और लड़कियों में अनुपात निकालने जा रहे हैं, तो प्रत्येक लड़के को 90 पैसे, 50 के 50 अगर लड़के होते तो उनको कितने रुपए मिलते, 45 रुपए मिलते। मैं मान लेता हूं कि 50 की 50 लड़कियां हैं, एक लड़की को कितने पैसे मिल रहे हैं, 65 पैसे मिल रहे हैं, तो 50 लड़कियों को कितने पैसे मिले, 50 × 65 रुपये में चेंज करना है, 100 से भाग लगा देंगे, 50 से 100 दो बार कैंसिल हो जाएगा, 65 का आधा आएगा, तो 65 का आधा कितना होता है भाई, 65 का आधा होता है सर 32.5, 65 का आधा होता है 32.5, जबकि टोटल रुपए कितने हैं 41, जो टोटल आता है वो हमेशा बीच में आता है,
अब एलिगेशन लगाने के लिए क्रॉस में अंतर लें, अंतर आ गया सर 4 का, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां डिफरेंस आ गया सर 8.5 का, यहां डिफरेंस आ गया 7.5 का, रेशो आ गया 8.5:4। अच्छा पॉइंट हटेगा, 0 आएगी, 40 आ गया, 5 से काटे नहीं, 5 से 17 बार, 5 से 8 बार अनुपात आ चुका है 17:8। तो जितनी भी संख्या है लड़के व लड़कियों का अनुपात 17:8 है, जितनी भी संख्या है लड़के व लड़कियों का अनुपात 17:8 है। टोटल संख्या सर बोली गई है 50 है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल 25 है, 25 का मान अगर 50 है तो 1 का मान 2 है, 1 का मान 2 है तो 8 का मान 16 और 17 का मान भाई 34, 34 लड़के 16 लड़कियां। क्वेश्चन बोल रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 34 है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर 34, 34 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखें, पचास संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्या यानी कि 45 और 55 को तोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 45 और 55 को मैंने छोड़ दिया, 45 और 55 को मैंने छोड़ दिया तो मैंने कितना हटा दिया, मैंने हटा दिया 100, 100 को मैंने क्या कर दिया माइनस। अब ये 100 कितने लोगों में बटेगा, 100 बटेगा 50 संख्याओं में, 100/50 इसका मतलब माइनस 2, औसत में 2 की कमी आ जाएगी। सिंपल सी बात है सर, 45 और 50 को आप छोड़ रहे हैं तो 45 और 50 कितना होता है, 100 होता है, तो 100 जो है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएगा 50 संख्याओं में से। तो 50 में से अगर मैंने 100 माइनस कर दिया, 50 संख्याओं में अगर मैं 100 को बांटूं तो सब में से 2 माइनस होगा, 38 में से 2 माइनस कर लें आपको आंसर मिलेगा। और क्या काम कर सकते हैं भाई, और ये काम कर सकते हैं 50 × 38 करें, जो भी आएगा उसमें से माइनस करें 45 और 55 यानी कि 100 माइनस करें, करके देख लेते हैं 0, और इसके अलावा 8×5=40, फिर से 0, 4, 5×3=15 और 4 1900, इसमें से भी 100 माइनस होगा और क्या बटेगा, बचेगा 48, दो संख्या माइनस होंगी सर, 1900 में से 100 गया कितना बचा 1800 बचा, संख्याएं कितनी है 48 है, संख्याएं 48 है, तो शेष संख्याओं का औसत तो यहाँ पर तो फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन करते हैं एक बार, यहाँ 8 से काटें इसको या 6 से काटने, 6×48 6×3=18 300, 4 से काटेगा 2 बार, 4×75 बार, 75 का हाफ करना है, 75 का हाफ करना है, 75 का हाफ होता है 37.5, बी ऑप्शन, 75 का हाफ हो गया 37.5, बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर, बी ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है चलो स्किप करें इसको भी, ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, एक शहर की जनसंख्या जो है वो 126,800 है, शहर की जनसंख्या 126,800 है, पहले वर्ष या 15% से बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% की कमी हो जाती है, दो साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो सर अभी तो बोल रहा है 126,800 है, पहले साल 15% जनसंख्या बढ़ी तो पहले साल के लास्ट में हो जाएगी 115/100, फिर 20% की कमी हुई फिर हो जाएगा 80/100, 20 तो कम से कम कैंसिल होने होने, फिर 5 से काटे आप लोग 5×23 बार, 5×20 बार, 20×80 कितनी बार 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई करना है 1268×23×4 आएगा कितना 96 क्यों आएगा, 20×80 4×3=12 92, 23 का 4 से मल्टीप्लाई किया, अब 8×2=16, लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, 6 दो ऑप्शन में लास्ट में है। दूसरी बात, अगर ये 100 होता तो भी 126,800 होता, मतलब कि तब भी 13 पार नहीं करता, इसका मतलब डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल ना के बराबर कैलकुलेशन करनी है, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे आप बिल्कुल आंसर दे पाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन वाला अगला क्वेश्चन, 0.863×0.637, देखिए ये दोनों एक पेयर है, ये एक पेयर है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, 0.863 कॉमन आ गया, अब ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 0.637 प्लस 0.863
363 ऐड करें इसको, इसको ऐड करेंगे ना आपको वन मिलेगा। देखो सात और तीन दस जीरो हासिल एक, छः और तीन नौ और एक दस जीरो हासिल एक, छः और तीन नौ और एक दस जीरो हासिल एक, वन मिला। वन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे डाटा वही का वही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0.863। वन से मल्टीप्लाई किया वापस से 0.863। राम राम विजय, सेशन को भाई लाइक और शेयर कर दो एक बार। 0.863 आगे देखें, एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 22% अधिक वसूल लेता है। तो एक ग्राहक एक डीवीडी प्लेयर के लिए 10,980 का भुगतान करता है, डीवीडी प्लेयर का मूल्य क्या था? तो 22% मैंने ज्यादा मूल्य दिया, 22% ज्यादा दिया, इसका मतलब 122 रुपए में देके आ गया। अगर उसकी कीमत 100 रुपए थी तो मैंने कितना दिया? 122 रुपए उस दुकानदार को दिया। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नहीं 10,980 दिए, कोई बात नहीं भाई, 122 को 10,980 मान लो, एक का मान कितना आ जाएगा? एक का मान आ जाएगा सर 10,980 डिवाइड बाय 22, ये होगा 11 का मल्टीपल है 11 से दो बार, 11, 8, 88, 11, 9, 99 कितना बचेगा? 11, 9, 99 कितना बच रहा है? 11 का मल्टीपल नहीं है क्या? 10,980 दिया हुआ है ना, 9, 10, 8, 11 का तो मल्टीपल नहीं है, तो फिर डाटा पॉइंट्स में, ये पॉइंट्स में कैसे आ रहा है? 22% अधिक वसूल रहा है, तो 122 की वैल्यू ये है 10,980। तो डीवीडी प्लेयर का लागत मूल्य क्या है? 11 का मल्टीपल तो ये है ही नहीं, डाटा पॉइंट्स में आएगा। दो से काटो इसको एक बार, तो काटिए एक बार, दो से 11 बार, 2 5 10, 2 4 8 और 1 2 18 आ गया भाई 5,490, ये वैल्यू आ चुकी है। मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई करें, 5,490 बटे 11 इंटू, ये कैलकुलेशन आपकी होगी। इसे करके देखिएगा, हो सकता है अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिले, हो सकता है अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिले, 22 नहीं 122 आएगा। अच्छा हाँ सॉरी, 122 है तो ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 22 नहीं है, 122 है, मैंने यहाँ 122 ही लिखा हुआ है, बाद ये गलती करता, 122 आएगा बिल्कुल सही, 100 की वैल्यू निकालनी है। अब ठीक है 122 मैं लिख चुका हूँ, अब मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। अब आप लोग वैल्यू निकालने कितना आ सकता है, कितनी बार कैंसिल होगा? लास्ट में 8 चाहिए आपको, तो 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 2 18, हो सकता है 9 बार कैंसिल हो, 90 × 100 कितना आएगा? 9,000, डी ऑप्शन, 90 × 100 कितना आएगा? 9,000, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल 122 आएगा अर्चना, बिल्कुल सही कह रही है आप लोग, तो बिल्कुल ठीक बात। आगे देखें, सेशंस को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ये बात आपको बार बार बोलनी पड़ती है, आप लोग बिना बोले ही सेशन को लाइक और शेयर किया करें। क्या देखें, सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन, 4 से 1/3 × 5 से 1/3, देखिए एक काम करते हैं, जहां जहां डिवाइड आ रहा है ना उस डिवाइड को हटा करके मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और चेंज करने का फिर रूल क्या होता है ये भी समझ लेना। ये हो जाएगा सर 4 3 12 और 1 13, ये हो गया 13/3 × 5 3 15 और 1 16 16/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो डाटा हो जाएगा रिवर्स। तो डाटा है क्या बोले, जिस लो 6 3 18 और 1 19/3 है सर, ये 19/3 का उल्टा आएगा 3/19, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी फिर आपको 1/3 दिया हुआ है तो ये 3/1 हो जाएगा। उसके अलावा प्लस में क्या है, प्लस में है सर 5 से 1/3 यानी कि 16/3, और माइनस में है 7/3, यही बात लिखाई दे रही है भाई आपको। चलिए 3 × 3 से 3 × 3 कैंसिल हो गया, 16 3 48 8 हासिल 4, 16 × 16 = 20, 208/19, 208/19, और प्लस में कितना बचेगा, 16/3 में से 7/3 माइनस हो रहा है, 16 में से 7 माइनस कर दो 9, 9/3 कितना आ गया, 3 आ गया, डिवाइड में 19 आ रहा है। अब एक काम करिए, देख लो डिवाइड में 19 कितने ऑप्शन में, तो डिवाइड में 19 दो ऑप्शन में, 14 सही 14/19, 13 सही 18/19, मतलब कि सॉल्व करना पड़ेगा, 19 × 3 हो जाएगा 57, 57 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 265, 265/19 हमारा आंसर है। 19 × 19 कितना बचा, कितना बच गया भाई, 19 × 19 करने के बाद 7 बच गया, 75 हो गया, 75 हो गया, तो फिर 19 से 4 बार भाग जाएगा क्या, 75 हो गया, 19 दिया 57, 18 बचेगा, 13 सही 18/19, ये ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है भाई, पढ़ गई शांति आप लोगों को, कितना
आसान से क्वेश्चंस थे, और आसान उन्हीं के लिए देखो जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे उनको तो दौड़ दो चार भी टफ लगेगा, वो तब भी बोलेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं कि दौड़ दो, दौड़ दो भी कोई पढ़ाने वाली बात है जरा बता। एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए ढाई मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, जिससे कि आधार 7 मीटर रेडियस के बराबर और ऊंचाई 24। आपको क्या बनाना है, तंबू गाड़ना, एक तंबू गाड़ना है किसी खुले मैदान में, टेंट बनाना है। आपके पिताजी ने बोला बेटा कपड़ा फाड़ के ले आओ, अब वो आपको पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पे पैसा वेस्ट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आपको तंबू बनाना आता ही नहीं है, तो वहाँ आपको ये पता करना पड़ेगा कि तंबू का एरिया क्या है, तंबू का एरिया क्या है। तंबू होता है आपका शंकु, शंकुनौर, तो शंकु होता है तो शंकु का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, शंकु का एरिया होता है सर पाई आर एल, ये बात आपको पता होगी। बिल्कुल भाई, आप तंबू बना पाएंगे पाई आर एल, पाई का मान होगा 22/7, रेडियस बता दो जरा एक बार, रेडियस तो सर बिल्कुल साफ साफ दी हुई है बहुत बड़ी 7, रेडियस हो गया 7। अब ये एल क्या होता है, ये एल होता है आपकी तिरक ऊंचाई, आपको पता है ये 7 है, हाइट आपको पता है 24 है, एल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कर लोगे इतनी कैलकुलेशन भाई, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है 25 के स्क्वायर, आपको मैंने 15-20 ट्रिपलेट हटाए थे आपको याद हो तो, ये हो गया 22x25 एरिया आ गया, एरिया कितना आ गया 22x25। अब मुझे जो कपड़ा फाड़ के लेके आ रहा है उसका एरिया भी 22x25 होना चाहिए, उसमें से चौड़ाई तो आपको दे दी 2.5 है, आपको नहीं पता लंबाई कितनी है, लंबाई को एल मान लो, 2.5 से 25 कैंसिल होगा 10 बार, तो 22x10 आ जाएगा 220, 22x10 220, ये ऑप्शन आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कहने को मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, पर कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस शंकु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। और देख लेते हैं भाई, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आपके फिनिश हो चुके, चलिए ये क्वेश्चंस थे मैथ्स के जो भी आपको मैंने एनालिसिस कराया, अभी रीजनिंग और जीके वाले सर भी आपको एनालिसिस कराएंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है जो एनालिसिस में उनका जिक्र किसी रीजन से नहीं हो पाया है, अकेडमी हमेशा के लिए ओपन है, आप मंडे ट्यूजडे जब भी आना चाहें आप अकेडमी आकर के उन क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते। चलिए आइए रीजनिंग के क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देख लेते, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जब देखिए जब हम क्लास जब चलती थी तो बच्चे छोड़ छोड़ के बाहर भाग जाते थे, सर ये नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है, हमें ये नहीं करना, वो करना है। आप खुद ही देख लीजिए, आप लगातार 3-4 घंटे वीडियो नहीं देख सकते हैं, वो तो अलग कहानी है, पढ़ाई करना महीनों महीनों सालों सालों तक पढ़ाई करना तो बहुत बड़ी बात है, लगातार बैठ के 3-4 घंटे लोग वीडियो ही नहीं देख सकते, चलिए वीडियो नहीं देखते कोई दिक्कत नहीं है, क्या लगातार 3-4 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं? अगर आप क्लासें लेने आते हैं क्या सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ते हैं? जो पढ़ते हैं वो कामयाब होते हैं। क्लास छोड़ छोड़ के भागना, ये करना, ऐसी चीज़ें भी बच्चे मैंने खूब देखे हैं, तो फिर देखिएगा कामयाबी थोड़ी दूर है, थोड़ा समय लेती है। जो लोग पढ़ाई करते हैं शुरुआत से लेकर लास्ट तक वो इस पेपर को कर सकते हैं, कोई भी नींबू संतरा नहीं है, तो ये नींबू है, नींबू का कोई भी हिस्सा किसमें नहीं आ रहा है, संतरे में नहीं आ रहा है, कुछ संतरे क्या है, सेब है, तो अपन क्या कर सकते हैं भैया, क्या कर सकते हैं, नींबू और संतरे का डायग्राम तो अलग अलग बनेगा, लेकिन आप देखेंगे तो सेब यहाँ पे भी आएगा, सेब यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि सेब और नींबू में नोट नहीं लगा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सेब का वो हिस्सा जो संतरे में आ रहा है कभी नींबू नहीं हो सकता, कोई संतरा नींबू नहीं हो सकता है, सही बात है, जब कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं है, कुछ नींबू सेव है, कुछ नींबू सेव है, तो यहाँ पे तो ये वाली बात गलत है, यहाँ पे सही है, एक जगह गलत है तो गलत हो गया, तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये आपका आंसर आएगा, आसानी से होने वाला प्रश्न आराम से किया जा सकता है। चलिए दो दो रीजनिंग के क्वेश्चन दिखते जाएंगे, जिनको अपन जल्दी कर सकते हैं वो करते हुए जाएंगे। अब ऐसा क्वेश्चन जो नहीं करेगा उससे क्या कहें, आप खुद ही जानते हैं। क्यूब का दूसरी बार क्वेश्चन आया है, क्यूब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये 7 का क्यूब है तो ये 5 का क्यूब 125 होगा, देखते ही होने वाले प्रश्न है, पूरे पेपर में कम से कम आप
70 क्वेश्चन तक तो अटेंड कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 70 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं, ऐसे पेपर जरूर है। हाँ, हरियाणा जी के नहीं आई है, वो गलत बात है, आनी चाहिए थी। जब पेपर ही आपका हरियाणा का तो हरियाणा जी के आनी चाहिए थी, क्योंकि इससे हो सकता है जो अदर स्टेट वाले उनको ज्यादा बेनिफिट हो, हरियाणा जी के नहीं आई तो। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आप ये नहीं कह सकते कि पेपर जो पढ़ने वाले बच्चे वो नहीं कर पाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे पेपर कर सकते हैं। आइए, ई एन का क्या बनने वाला आप जानते हैं, एन का क्या बनेगा, एन का ये बनने वाला है, ई का वापिस ये बनने वाला है। अगर आप देखेंगे तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत में बी नहीं आएगा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे आइए देखते हुए जाइए, उसके बाद में क्या आएगा, जेड आने वाला है, यहाँ पे जेड आएगा और जेड का मिरर इमेज ये बनता है, तो ई आया, एन आया, ई आया, तो एन वापिस नहीं आ सकता है। आइए इसके अंदर देखते हुए जाइए, उसके बाद वापिस एन आएगा और एन का मिरर इमेज ये बनेगा ही बनेगा आपके सामने। उसके बाद वापिस आपका क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद आपका क्या आने वाला है, बी आने वाला है, बी का मिरर इमेज ये बनने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई आ रहा है, एन आ रहा है, ई आ रहा है, जेड आ रहा है, एन आ रहा है, ई आ रहा है, बी आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ई आया, एन आया, यहाँ पे जेड सेम आ गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन आपका आंसर है। बिल्कुल आसानी से आंसर किया जा सकता है, बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। खराब पेपर आप, अब बच्चे क्या करते हैं, हरियाणा जीके पढ़ते रहते हैं, क्या लिमिटेड सिलेबस है उसके अंदर, ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं पाए अभी तक, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ, जीके होना चाहिए, तो मैं मना नहीं कर रहा, कहते 12 ही क्वेश्चन देते, 10 ही देते, देना चाहिए था। पर जो बाकी क्वेश्चन है उसमें जो बैंकिंग के लेवल के क्वेश्चन है उनको ना डाल के आप बाकी टॉपिक के क्वेश्चन भी अच्छे डाल सकते थे, ये भी है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कर सकते हैं। एक क्यूब के सभी फलकों पर काला रंग लगा गया, उसके बाद क्या किया गया है, 64 भागों में बांटा गया, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी भैया, एक दिशा में 4 भाग है और 0 रंग वाले के लिए फॉर्मूला होता है एन माइनस 2 की पावर 3, एन की वैल्यू 4 है, 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। आप बिल्कुल आराम से आंसर दे सकते हैं, काफी क्वेश्चन है जो आप देखते ही आंसर दे सकते हैं, सीधे सीधे आंसर दिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आप देखते ही उड़ा सकते हैं। आइए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, सुनीता सुबह 7 बजने से 20 मिनट पहले अपने घर से निकलती है, तो देखिए काफी बार मैं ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन क्लोक में भी कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये आप किससे करने वाले क्वेश्चन, ये रैंकिंग से करने वाले, जब मैं रैंकिंग पढ़ाता हूं तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। आइए, 7 बजने से 20 मिनट पहले, यहाँ पे 7 बजने वाला था, 20 मिनट पहले मतलब 6:40 पे घर से निकलती है और विनीता के घर 25 मिनट पे पहुंच जाती है, 6:40 पे निकलेगी तो 25 मिनट पे पहुंचेगी, तो क्या निकलेगी, 7:05 पे पहुंचने वाली है, 7:05 पे पहुंच जाती है। अगले 15 मिनट वो अपना नाश्ता करती है, वहीं रहती है, मतलब 7:20 तक वो वहीं है, और उसमें जिसमें उसने अपने कार्यालय के लिए निकल जाती है, जिसमें उसने 35 मिनट का समय लगता है, 7:00 इसमें 35 मिनट जोड़ दीजिएगा, 35 जोड़ेंगे तो 7:00 आपका क्या आंसर आना चाहिए, इसके अंदर अगर आप 35 मिनट जोड़ेंगे, 15 मिनट में अपना नाश्ता करती है और अपने कार्यालय के लिए निकल जाती है, जिसमें उसे 35 मिनट लगते हैं, 7:20 पहले पहुंची, मतलब 6:40 पे निकली, और इसको कितने मिनट लगे, 25 मिनट और लगे, तो 7:05 वहां पे कितना नाश्ता किया, 15 मिनट तक उसने नाश्ता किया है, 7:20 तक वो रुकी और अपने कार्यालय के लिए निकल गई, तो उसको कितना टाइम लगा है, 35 मिनट और लगा है, तो 7:20 में 35 जोड़ेंगे, यहाँ पे 55 लिखा हुआ होना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हुए जाइए, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि x के विपरीत कौन सा आएगा। चलिए बिल्कुल यही तो है, यही तो खेल था, x के विपरीत क्या आएगा, आप देखेंगे तो x के विपरीत y नहीं हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x के विपरीत a नहीं हो सकता, c नहीं हो सकता, डायरेक्ट आंसर है, क्या आंसर आएगा, b आपका आंसर आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है। आइए, कितने लोग बैठे, क्वेश्चन बोला पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में बैठे, क्यू पी और टी के बीच में है, क्यू किस किस के बीच में, पी और टी के बीच में, तो आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकता है। आइए, उनसे कौन बीच में है ये ज्ञात करने के लिए दिए गए कथन का आपको प्रयोग करना है, पी क्यू के बाएं, अब क्या बोला कि ये 5 लोग है, 5 में से आपको ये बताना है कि बीच में कौन बैठा होगा, तो एक लाइन तो ये दे रखी है, अब इसके बाद में ये दे रखा है कि पी क्यू के बाईं ओर है, पी क्यू के बाईं ओर है, तो एक तो ये बना दिया, और एस के दाईं ओर है, एस के दाईं ओर है, आर दाएं से अंत पे है, दाएं से किस पे भैया, आर अंत पे है, तो बीच में कौन बैठा होगा, क्यू बैठा होगा, तो आपको इसकी भी जरूरत है, आपको इसकी भी जरूरत है, दोनों की आवश्यकता है, तो सी आपको आंसर देना था, इस क्वेश्चन का आंसर सी देना था। आइए देखते हुए जाइए, बाकी एसएससी कितना क्या क्या आंसर देगी, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, सेंटर जीके भी अच्छे आइए, अच्छी पढ़ाई हुए टीचर अपने पढ़ाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने वाले बच्चे कर सकते थे, ऐसी बात नहीं।
बैंकिंग पढ़े, हाँ वो बड़ा गलत चीज है। आप एसएससी लेवल के भी क्वेश्चन दो पर अच्छे क्वेश्चन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या क्या लेना है, पहला चौथा, पहला आपका लेना है ए लेना है, उसके बाद में आपको क्या लेना है, कौन सा लेना है डी, चौथा कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका आई आएगा, उसके बाद में नौवां पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां आपका आर है, उसके बाद में आपका चौदहवां अक्षर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां तेरहवां चौदहवां एन है। आपको इससे क्या बनाना है, आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो आर ए आई एन आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है दाएं से तीसरा अक्षर, तो ए आपका दाएं से तीसरा अक्षर होगा, आराम से आसानी से होने वाला प्रश्न, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पर कुछ क्वेश्चन सच में टफ थे, ये बच्चों को खटकती रहेगी ये बातें। पर मैं आपको ये बता देता हूं कि आप संभल के रहिए, अच्छे से रहिए, कुछ भी नेगेटिव थॉट आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग लगातार साल भर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेली क्लासेस लेते आ रहे हैं, वो पेपर आराम से करते हैं। फिर आप देखेंगे तो सीरीज अचानक से बढ़ रही है, जब सीरीज अचानक से बढ़ती है तो अपन क्या करते हैं, जोड़ने घटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चार जोड़ा है, यहाँ पे नौ जोड़ा है, यहाँ पे सोलह जोड़ा है, यहाँ पे पच्चीस जोड़ा है, यहाँ पे छत्तीस जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या चल रहा है, स्क्वेयर का एडिशन चल रहा है, तो ये आठ हो गया, ये नौ हो गया, अठानवे आपका आंसर है। सीधा सीधा क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। आइए बताइए भैया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इस पेपर में थोड़े क्वेश्चन आसान, अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन आसान, अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए ए और बी भाई है, ए और बी दोनों क्या है भैया, भैया है। आइए सी और डी बहने हैं, ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र है वो डी का भाई है, इसको डी भी तो इसका पुत्र होगा, किसी बात है। सी और डी क्या है, बहने हैं, सी और डी बहने भैया, पुत्र नहीं, फिर उसको पुत्री होना पड़ेगा। क्वेश्चन ने पूछा बी सी से किस तरह संबंधित है, बी सी के क्या लगने वाला, चाचा लगने वाला। अब देखिए काफी नेगेटिव कमेंट भी चलेंगे फेसबुक वगैरह पे, ये करो वो करो, पढ़ाई छोड़ दो, ये कर दो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो साल भर से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बस पढ़ना लगातार पड़ेगा और आपको आदत डालनी पड़ेगी, बैठ के बैठे रह के पढ़ना पड़ेगा, मन कहीं पे भागे कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन ने पूछा इसका कोड कहां से लिया गया है, तो देखिए सारे ऊपर से लिए गए हैं, पी सबसे लास्ट में है, ये सारे के सारे लेटर यहां से लेके लिए गए, तो आप डायरेक्ट मॉडल का आंसर दीजिएगा, पी सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में परसेंटेज है, इसको तो आप टाटा ही कर दीजिएगा। ए कहां पे, ए सेकंड नंबर पे, तो यहां पे हैशटैग है, तो ये परसेंटेज के बाद में आपका हैशटैग आएगा, एक ही आंसर है, डी आपका आंसर है, खत्म कहानी। सीधा सीधा क्वेश्चन किया जा सकता था, आराम से होने वाले प्रश्न थे। जिन लोगों को बोला जाता कि आप लगातार बैठ के पढ़ते रहिए, अब उनको समझ में आएगा कि उस चीज का मीनिंग क्या है। आइए क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 31 ये क्वेश्चन तो आपको बुक्स में आराम से मिल जाएगा, 31 विद्यार्थियों के कक्षा में ऊपर से मनोज और सचिन का क्रमांक सातवां और ग्यारहवां है, तो नीचे से कौन सा होगा, तो 31 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 में से सात कम करिए एक तो 25 आएगा और एक आपका 21 आ जाएगा। सीधा सा आंसर है, खत्म कहानी, डायरेक्ट किए जाने वाले प्रश्न है, आराम से किए जा सकते हैं। चलिए आराम से होने वाले प्रश्न है, हाँ चलिए। एक दिन जोन घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला, साउथ में कितना चला है 10 चला है, फिर दाएं घूमा है, आइए साउथ का दाया वेस्ट होता है, कितना चला है 5 चला है, फिर दाएं घूमा है नॉर्थ में गया 10 चला है, फिर वापस बाएं घूमा है तो वेस्ट में कितना गया आपका 10 चला है, तो उसे अब उस सीधा घर जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, इनको बोलो घर जाओ कितना चलना पड़ेगा 15 चलना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न थे आप उड़ा सकते थे, ऐसे प्रश्न थे आप सीधे सीधे उड़ा सकते थे, आपको कुछ भी जोर नहीं आता। अब देखिए अब ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो देखिए आप देखिए मैंने आपके सामने सामने ऐसे क्वेश्चन बता दिए जो आप डायरेक्ट कर सकते थे, आप बाहर बैठ के ये क्वेश्चन भी आसान लगते हैं, अंदर ये भी मुश्किल लगते हैं। आइए अब देखिए जो लोग मेरे हिसाब से 50 तक ही क्वेश्चन सही करे आए ना, बिल्कुल सही सही 50 तक ही, वो भी अपना कमाल दिखा सकते हैं इस पेपर में। अरुणा 46 लोगों में 12वें स्थान पे है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा, 46 को 1 से बढ़ा लो कितना 47, 47 में से 12 कम कर दीजिए कितना बचेगा 35 बचेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन है आपके सामने, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप क्या करिएगा, इसको डिवाइड करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो तीन तीन में भी बांट सकते हैं, चार चार में भी बांट सकते हैं। आप यहाँ पे पहले चार चार में बांट के देख लीजिए, क्योंकि ए और बी आपको दो दो बार नजर आ रहा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे भी 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो देखिए दो बार ए आए तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे बी और ए लिखिएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा ए और बी आएगा, तो आपका आंसर ए बी बी ए बी, आपका कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है। सीधा सा क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है, आसानी से होने वाला प्रश्न है, आराम से किए जा सकते हैं। चलिए आपको यह बताना कि इनमें से कौन सा नहीं आता, तो रैंक देते हुए जाइएगा, B
20 में से 16 जाएगा तो 4 कम किया है, 18 में यहाँ पे अपन ने 4 जोड़ा है, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 1 किया है, और 17 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अच्छा ये आप क्वेश्चन ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन इसका हिस्सा नहीं है, ये तो पूरी इस पजल का हिस्सा है, आपको पजल बनानी पड़ेगी। पजल के जो क्वेश्चन है, जो बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे गए, इनको मैं एक साथ अलग से आपको करवाऊंगा, बड़े अच्छे अच्छे और लंबे चौड़े क्वेश्चन है। तो देखिये समय काफी हो चुका है, हमारे पास जो पेपर थे उनको हमने आपको सोल्व करवाने की कोशिश की है, तो आप हमसे जुड़े रहिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। जितने भी लोग आपके आसपास अगर आपसे नेगेटिव बातें बोले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो लगातार एक साल से पढ़ता हुआ आ रहा है, जो लगातार बैठ के पढ़ाई करता है वो आराम से कर सकता है, और जो जिनको भागने की लगी रहती है तो फिर उनके लिए तो दिक्कत है जीवन में। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, समय जरूर बदलेगा, हमेशा ऐसा समय नहीं रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही है, आप हमसे बने रहे, कल वापस मिलते हैं सुबह कल वाले पेपर के एनालिसिस, आज के लिए इतना ही।